कैटरीना कैफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत हसीनाओं में से एक है और ये अपने मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कैटरीना कैफ आज बॉलीवुड में सबसे अधिक फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। इनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है। कैटरीना कैफ अपने गॉर्जियस लुक और अमेजिंग एक्टिंग स्किल से बॉलीवुड में एक अलग ऊंचाई तक पहुंची है। तो आज के इस वीडियो में हम उनके लाइफ स्टोरी जानेंगे कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रुक करें इनके बचपन का, तो कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को विक्टोरिया ब्रिटिश हांगकांग में हुआ था। इनके माँ का नाम सुजन टुरकोट है और फादर का नाम मोहम्मद कैफ है। कैटरीना कैफ के अनुसार जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और इनकी माँ ने अकेले ही 7 भाई बहनों का पालन पोषण किया था। पहले इनका नाम कैटरीना कैफ नहीं था, ये अपने माँ के सरनेम को ही यूज़ किया करती थी, लेकिन जब वो भारत आई तो उन्होंने अपना नाम बदलकर कैटरीना कैफ रख लिया, क्योंकि भारत में कैटरीना कैफ नाम को पढ़ने में और याद रखने में आसानी थी, जबकि उनकी माँ का सरनेम थोड़ा टफ था। कैटरीना कैफ के फैमिली में उनके अलावा उनकी 3 बड़ी बहन स्टेफनी, क्रिस्टन और नताशा है और 3 छोटी बहन मलेशिया, सोनिया और इसाबेला है। इनके अलावा उनका एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम मिचेल कैफ है। कैटरीना कैफ के एजुकेशन की बात करें तो कैटरीना कैफ की पढ़ाई लिखाई होम स्कूलिंग के द्वारा शुरू हुई थी और घर पर ही इनकी माँ और दूसरे टीचर आकर पढ़ाते थे और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा इन्होंने अपने आगे के एजुकेशन को पूरा किया था। 14 साल की उम्र में ही इन्होंने हवाई में होने वाले ब्यूटी कंटेस्ट में अपनी जीत दर्ज की थी। कैटरीना ने लंदन में ही मॉडलिंग को करियर चुना और अपनी अलग पहचान मॉडलिंग में ही बना ली थी। कैटरीना इस ब्यूटी कंटेस्ट की विनर रही और उन्हें अपने करियर का पहला असाइनमेंट ज्वेलरी का मिला और इसी के बाद वह प्रोफेशनल तौर पर मॉडलिंग करने लगी और एक फ्रीलांस एजेंसी से जुड़ गई। इसके बाद लंदन में ही फैशन वीक का हिस्सा बन गई। इन्होंने हिंदी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि फिल्मों में किसी तरह की परेशानी ना हो। कैटरीना कैफ ने अपना पहला फैशन शो लंदन में किया था, जिसके दौरान डायरेक्टर केजाद गुस्ताद से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में कैटरीना कैफ को रोल ऑफर किया, जिस फिल्म का नाम था बूम। इसमें कैटरीना कैफ लीड रोल में एक्टिंग की थी। इस फिल्म में इनके अलावा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और जैकी श्रॉफ जैसे पॉपुलर एक्टर थे, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद कैटरीना कैफ ने कई सारे पॉपुलर फिल्मों में काम किया, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन, 2008 में सिंग इज किंग, 2011 में मेरे ब्रदर की दुल्हन। इन सारे फिल्मों में उनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इन फिल्मों के अलावा भी इन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी, जैसे हमको दीवाना कर गए, वेलकम, अजब प्रेम की गजब कहानी, धूम 3 और भी कई सारे इनके पॉपुलर फिल्म्स हैं। वहीं बात करें अगर कैटरीना कैफ के पर्सनल लाइफ और अफेयर्स की, तो बता दें कैटरीना कैफ शादीशुदा है। कैटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से डेट करने के बाद 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बड़वाड़ा होटल में शादी कर ली, जिसकी कुछ तस्वीरें दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। बता दें फिलहाल ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। अब मैं आपको कैटरीना कैफ के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको पहले से पता हो। नंबर 1, कैटरीना कैफ साल 2008, 2009 और 2010 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। नंबर 2, साल 2004 में 7.5 मिलियन रुपए तेलुगु फिल्म मलेशवाड़ी के लिए दिए गए थे, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक का हाईएस्ट फीस चार्ज था। नंबर 3, कैटरीना कैफ की पहली डेब्यू फिल्म जॉन अब्राहम के साथ होने वाली थी, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आने के कारण वह ये फिल्म नहीं कर पाई। नंबर 4, कैटरीना कैफ की उम्र साल 2022 में 39 ईयर्स है, हालांकि इनके हस्बैंड विक्की कौशल सिर्फ 34 ईयर्स के हैं। नंबर 5, कैटरीना कैफ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेम और फेम गेन किया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।